नमस्कार दोस्तों, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो अगर आप दिल्ली की दबाव जिंदगी से परेशान हो चुके हैं तो आप इस शिल्प संग्रहालय में आएं, और अगर आप इतिहास के शौकीन हैं, इतिहास में आप रुचि रखते हैं, तो आपको यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें साजो सामान देखने को मिल जाएगा जो कि प्रागैतिहासिक काल से इस्तेमाल होता आया है। और इतना ही नहीं, मैं कहूँगा यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के समय से जो तमाम चीज़ें जो इस्तेमाल होती थी रोज़मर्रा की, चाहे वो हमारे वाहन हो, चाहे वो हमारे बर्तन हो, या उनका रहन सहन उस दौर के लोगों का, वो सब आप यहाँ आकर अनुभव कर सकते हैं और अपने बच्चों को लाकर दिखा सकते हैं। और मेरे पीछे इस समय जो आप देख रहे हैं, ये वो सब बैलगाड़ियाँ हैं जिनका इस्तेमाल जो है तब भी होता था, और आज जबकि हमारा देश बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन आज भी तमाम गाँव में आज इन बैलगाड़ियों का प्रचलन है, इस तरह की बैलगाड़ियों का। और ये जो बैलगाड़ियाँ आप देख रहे हैं, वो देखिए जो पीछे पालकी है, इसमें विवाह के समय जो है दुल्हन को लाया जाता था, या इस तरह की पालकियाँ थी, और ये बहुत ही प्राचीन समय की पालकी है। तो इसी तरह से मैं आपको और भी दिखाऊँगा आगे चल। ये जो मेरे पीछे आप बैलगाड़ी देख रहे हैं, ये भी प्रागैतिहासिक काल की है, बहुत ही प्राचीन बैलगाड़ी है। देखिए कितनी सुंदर है ये और कितनी सुसज्जित है। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर भी इस तरफ की जो बैलगाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये तमाम वो बैलगाड़ियाँ हैं जो प्राचीन समय से इस्तेमाल होती चली आ रही हैं। इधर मैं उनको कहूँगा कि वो आपको इधर बैलगाड़ियों से रूबरू कराएं जी। तो ये देखिए, ये जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, इसका नाम है देव नारायण का देवरा, राजस्थान। इस चित्र में राजस्थान के लोक देवता देव नारायण, जो कि विष्णु का रूप माने जाते हैं, से संबंधित किवन दतियों के दृश्य चित्रित हैं। यह चित्र भीलवाड़ा राजस्थान के श्रीलाल जोशी द्वारा चित्रित है। तो प्राचीन समय में अगर आप राजस्थान में जाएं, आज भी वहां पर तमाम आपको ऐसी जगहें मिल जाएंगी जहां पर इस तरह की छोटी छोटी जो है ये बनी हाथी की झोपड़ियाँ, और यहाँ पर आकर आप अपना विश्राम कर सकते हैं या कोई गोष्ठी या चर्चा कर सकते हैं। इसके पीछे चित्र बने हुए राजस्थान के। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये गड़ोलिया बैलगाड़ी है और राजस्थान की है। ये बैलगाड़ी राजस्थान के गड़ोलिया लोहारों का चलता फिरता घर होता है। पीतल की लकड़ी से बनी इस गाड़ी पर पीतल की घंटियाँ एवं टुकड़ों से सज्जा की गई है। तो आज भी ये जो गडरिया लोहार होते हैं, अब तो खैर बहुत तरक्की कर गए, ये लोग भी नहीं रखते, लेकिन मैंने अपने होते हुए देखा है अक्सर कि जो गडरिये लोहार होते थे, ये जो नोमेड्स होते हैं राजस्थान के, वो अक्सर इस बैलगाड़ी के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरण करते थे और इस बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते आए हैं। और इस बैलगाड़ी को मैंने अपने जीवन में देखा है चलते हुए, इस्तेमाल होते हुए, हालांकि अब ये नहीं दिखाई देती है। तो ये जो बैलगाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये भी बैलगाड़ियाँ जो हैं ऐतिहासिक बैलगाड़ियाँ हैं। और देखिए आप इसका पहिया चक्का, सबसे पहले जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इसी तरह के लकड़ी के बड़े बड़े चक्के बना करते थे, और इसी तरह की बैलगाड़ियाँ जो हैं बना करती थी। फिर धीरे धीरे बैलगाड़ियाँ भी परिष्कृत होने लगी और थोड़ी मॉडर्नाइज हो गई, और ये बहुत ही प्राचीन है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये गोंड कुटीर कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती है। मंडला जिले की गोंड आदिवासी कुटीरों के मध्य में बड़ा आंगन होता है। सामान्यतः कुटीरों को समूह में बनाया जाता है। हम जहाँ शहरों में लिंटर के पक्के सीमेंट के बने मकानों में रहते हैं जो कि तपते हैं अक्सर गर्मी के दिनों में, वहीं पर हमारे आदिवासी किस तरह से प्राकृतिक और नैसर्गिक रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए घास की जो चावल की जो धान की जो ऊपर जो घास होती है उसके द्वारा इसकी छत बनाई जाती है, जो कि ना तो गर्मी में गर्म होती है और ना ही सर्दी में इसमें ठंड लगती है, उल्टा सर्दी में ये गर्मी देती है। और पीछे देखिए आप किस तरह की सुंदर चित्रकला है, पूरी तरह से प्राकृतिक। तो ये है मंडला जिले की, मध्य प्रदेश की एक कुटीर। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये उड़ीसा का प्रांगण है, उड़ीसा कोर्टयार्ड। यानी इस तरह के आज भी हमारे गांव में तमाम तरह के जो हैं ये प्रांगण जो हैं इसी तरह के प्राकृतिक रूप से
क्योंकि वहाँ ना तो कोई जगह की कमी होती है, तो इसी तरह से जो है प्राकृतिक रूप से प्रांगण बनाए जाते हैं जहाँ बैठ के अक्सर लोग गोष्ठियाँ करते हैं, बातचीत करते हैं और अपने तमाम गाँव के मुद्दों को का निपटारा करते हैं। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कोन्याक मोरुंग अथवा पारंपरिक पुरुष है नागालैंड, नागालैंड की ये कुटीर है और बांस व लकड़ी से बनी है कुटीर उत्तरी नागालैंड के कोन्याक आदिवासी युवकों का सामुदायिक निवास है। कोन्याक से मुझे याद आया, आज से 2 वर्ष पहले मैं जब प्रगति मैदान में गया तो वहाँ मैंने एक ग्रीन टी खरीदी थी और वो भी कोन्याक नाम से थी, तो मुझे लगता है इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिमिलरिटी ज़रूर है। और मैं दिखाना चाहूँगा मेरे पीछे ये जो नागालैंड के लोग किस तरह से अपनी कुटीर बनाते हैं और उसमें रहते हैं। जब बात बंगाल की हो तो फिर बंगाल में आना ही होगा, जब बात देश की हो तो हम बंगाल को कैसे भूल सकते हैं। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल की कुटीर है, हट है और इसमें दुर्गा जी की प्रतिमा है जो कि दुर्गा पूजा में अक्सर बनाई जाती है। तो ये है पश्चिम बंगाल कुटीर। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये कुल्लू कुटीर है मंडी हिमाचल प्रदेश से, और इसकी जो छत है वो पत्थर की स्लेटों से बनाई गई है ताकि जब जाड़ों में इसके ऊपर बर्फबारी हो या बारिश आए तो पानी जो है वो स्लैंट होकर के नीचे गिर पड़े, रुके नहीं। तो ये है जम्मू की कुटीर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह स्मृति स्तंभ है गुजरात का, मेमोरियल स्टोन। तो ये आपको यहाँ तमाम तरह के जो यूटेंसिल्स हैं बर्तन जो है पड़े हुए दिखाई देंगे और कुटीर दिखेगी, और ये जो है कड़ाही है यहाँ, और इधर राजस्थान का प्रांगण है, राजस्थान कोर्ट यार्ड, इसमें भी देखिए तमाम तरह के बर्तन हैं। तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बन्नी कुटीर है गुजरात की, और ये कच्ची ईंटों से बनी है और स्थानीय पौधों से बने छप्पर वाली या गोल कुटीर रहने वालों को रेगिस्तान की गर्म हवाओं से बचाती है, उनकी हिफाजत करती है। मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं ये जब्बा कुटीर है उड़ीसा की, और लकड़ी पर नक्काशी व रेखांकित दीवारों से सजी जब्बा कुटीर का खुला बरामदा बैठक के काम आता है, ये जब्बा कुटीर है। और इसी के बगल में आपको मैं दिखाना चाहूँगा मिट्टी नयन दी खान, ये भी एक कुटीर है, बड़ी ही सुसज्जित है, बहुत ही मॉडर्न सी कुटीर है। देखिए कितनी सुंदर है, कितनी ठंडक और कितनी आँखों को सुकून देने वाली है। और ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये विवाह स्तंभ है हरवाड़ा समुदाय गुजरात का, यानी मैरिज पिलर, एक ऐसा नियत स्थान जहाँ पर शादियाँ जो हैं वो शादियों का आयोजन होता है, विवाह का आयोजन होता है। और इसी के बगल में जो है मैं आपको दिखाऊंगा एक और कुटीर है, मेहर कुटीर गुजरात की। तो जूनागढ़ जिले के निवासी मेहर कृष्णों की इस कुटीर में गोबर मिट्टी से लिटी एवं चित्रित दीवारें, रसोई की महराज व छोटे छोटे आलों की कतारें दर्शनीय हैं। तो ये है मेहर कुटीर। तो ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं निकोबार कुटीर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कुटीर में रहने का स्थान मकान से ऊपर है, बाहर का खुला स्थान परिवार जन एवं अतिथियों के बैठने हेतु है। तो अंडमान निकोबार में जो है इस तरह की जो है कुटीर बनाई जाती है बिल्कुल प्राकृतिक। और इसके बगल में एक और कुटीर है मैं दिखाना चाहूँगा, राभा कुटीर असम। जी हाँ, बुनकर और रेशम कीट पालक राधा कृषक बांस एवं घास से विशिष्ट कुटीर बनाते हैं जो भारी वर्षा का भी सामना कर लेती है। तो यह है राभा कुटीर। जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं टोडा कुटीर तमिलनाडु, नीलगिरी पर्वतमाला के निवासी एवं भैंस पालक टोडा आदिवासी की यह कुटीर बांस लकड़ी और घास से बनी है। नीलगिरी हिल्स को तो आप जानते ही हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर्स के ऊपर जो हैं ये नीलगिरी हिल्स हैं, जब आप ऊपर जाते हैं तो रास्ते में आते हैं ये टोडा कुटीर। और ठीक इसके दूसरी ओर है आदि कुटीर अरुणाचल प्रदेश की, जो आप देख पा रहे हैं उस तरफ ये आदि कुटीर है और अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती है। ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये तमाम उन चित्रकारों की उफीरी हुई जो है चित्रकलाएं हैं। देखिए कितनी पेचीदगी से, कितनी जो है इसके अंदर नफासत है और कितनी मीनाकारी है, महीन जो है इसमें कलाकारी की गई है। तो ये सब उन तमाम जो ट्राइबल्स हैं हमारे उनकी एक कला का जीवंत उदाहरण है, एक बहुत सुंदर नमूना है।
यहाँ अगर आप आए तो आपको ये तमाम जो है छत्तीसगढ़ के हमारे जो भाई हैं ट्राइबल्स हैं ये भी हैं यहाँ पर, और आप इनकी नृत्य कला का भी आनंद ले सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर आसपास आपको जो है क्राफ्ट का जो है भगवान लीला भी देखने को मिल जाएगा। तो आप जी जी नृत्य कला है, इसका क्या नाम है? ये कक्षा नृत्य, कक्षा नृत्य मैंने बताया जो कि छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखता है।